और एक 11 में सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की, जहां पर फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं। सुबह से हो रही तेज बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि सड़क पर भर गया पानी, रफ्तार रोक रहा है, घुटनों तक भर गया पानी, कई अंडरपासेस और सड़क पर दिखाई दे रहा है। बारिश का पानी वीआईपी हो या फिर आम रास्ता, यहां पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क पर गाड़ियां कहीं पर चल रही हैं तो कहीं पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। कुल मिलाकर कल जैसा ही मंजर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और जल भराव की वजह से दफ्तर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के करीब नोएडा और गुरुग्राम गाजियाबाद में भी पानी भरने से ट्रैफिक रेंग रहा है। बाइकर को देखिए किस तरीके से जूझ रहा है अपनी बाइक निकालने के लिए। ये दरअसल सड़क का नजारा है अंडरपास में कुछ घंटों की बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती अपने वाहनों को निकालने की। वसंत कुंजा इलाका देख रहे हैं आप, जहां पर बाइक हो या फिर कार, सब कुछ थमे हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल वालों को काफी ज्यादा मुश्किल, और ये देखिए सड़क का नजारा, यहाँ पर धीमी रफ्तार से रेंगता हुआ ट्रैफिक और एक बड़ी चुनौती अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना, क्योंकि तेज बारिश कल से ही रुक रुक कर कई बार दिल्ली को परेशान कर चुकी है। एनसीआर और आसपास के इलाकों में भी अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी जल्द निजात नहीं मिलने वाला है दिल्ली वालों को बारिश से। वसंत कुंज दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ भी जल जमाव ने भेदभाव नहीं किया है। यहाँ पता नहीं चला कि पानी के नीचे कभी सड़कें भी थी। जरा तस्वीरें आप देखिए, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुछ देर की बारिश और ये स्थितियां दिल्ली में हर बार हो जाती हैं। जो दावे और वादे किए जाते हैं कि नालों की सफाई हो रही है, पानी की निकासी हो पाएगी, वैसी तस्वीर थोड़ी सी बारिश के बाद दिखनी बंद हो जाती है। और ऐसी ही तस्वीरें जहां पर गाड़ियां फंसी होती हैं, लोगों की बाइक फंसे होते हैं, लोग आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। और ये आलम तो तब है जब थोड़ी देर की बारिश हुई है। अब अंदाजा लगाइए, कुछ देर अगर और बारिश होती है तो स्थितियां और क्या हो सकती है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बारिश जबरदस्त तरीके से हो रही है, और उसका असर सड़कों पर किस तरीके से दिख रहा है वो ये जल भराव बताने के लिए काफी है। कई सौ मीटर तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और ये दिल्ली का वो इलाका है जो सबसे ज्यादा पॉश माना जाता है, वसंत कुंज का इलाका है। और यहाँ पर भी सड़कों की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ एक साइड में चल रही हैं क्योंकि पूरी सड़क लबालब है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि सड़क पर बाढ़ आई हुई है। कहीं पर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर पानी नहीं दिखाई पड़ रहा हो। तो ये है स्थिति इस समय दिल्ली की। चारों ओर बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, ट्रैफिक की परेशानी है, जल भराव की परेशानी है, और साथ ही साथ बारिश ने वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो सितंबर महीने में 2009 के बाद बने थे। आपको बताएं कि अब तक 24 घंटे में लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। पिछली बार जो सितंबर का रिकॉर्ड था वो 2009 का था, जब लगभग 9 सेंटीमीटर बारिश हुई थी दिल्ली में। तो ये स्थिति है, और इसी स्थिति से लोगों को लगातार दूसरे दिन भी दो चार होना पड़ रहा है। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त वसंत कुंज से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे और तस्वीरों के जरिए दरअसल पूरी स्थिति साफ हो रही है। हर साल वही नजारा, पहले तो बारिश का इंतजार और जब बारिश आ जाती है तो मुसीबतों का पहाड़। बिल्कुल, और आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएं। ये वो अंडरपास है नेहा, जो कि वसंत कुंज को एयरपोर्ट से जोड़ता है। जी हाँ, एयरपोर्ट जैसा महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन यहाँ पर जाता है। और ये सड़क नहीं, दरिया फिलहाल दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको कार भी खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, बच्चे तैरते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। बमुश्किल यहाँ पर किसी तरीके से पानी को निकालने का लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह इस समय लबालब एक तरीके से सड़क दरिया बने हुए। और दिल्ली
के बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ी भी बारिश होती है तो मुश्किल हो जाती है। देखिए लगातार जो वाटर पंप है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पानी रुक जाए, लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए गाड़ियां किस तरीके से निकल रही हैं, मुश्किलों से जूझते हुए, मुश्किलों से दो चार होते हुए, और यहाँ तक कि जान हथेली पर भी। देखिए जो कार निकल के आ रही है एक तरीके से लग रहा है कि पूरी हुई डूबते हुए कार आ रही है। तो दिल्ली में अगर आपको कार चलाना है तो सिर्फ ड्राइविंग नहीं आनी चाहिए, कार को नाव बनाने की कला भी आनी चाहिए, और शायद इस कला में जो लोग पारंगत हैं वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि इस स्विमिंग पूल से भी गाड़ी बाहर खींच करके ले जाए। लेकिन कई मामलों में गाड़ियां निकल जा रही हैं, कई बार गाड़ी बंद हो जा रही है, तो ये लगातार चल रहा है। और हम पिछले कई मिनट से यही जो तस्वीर है देख भी रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां की तस्वीरें देख लीजिए। और ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, पॉश साउथ दिल्ली का इलाका है और उसको जोड़ने वाली सड़क है एयरपोर्ट से, और इसको NHAI ने बनाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस सड़क को बनाया है। और यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है ये आप अगर देख करके कौतूहल भी आप कर सकती है, आप अचरज भी कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये जिस तरीके की मुसीबत है, बारिश तो हुई है लेकिन बारिश का जो इंतजाम होना चाहिए वो क्यों नदारद दिखाई पड़ता है, इसका जवाब न तो किसी अथॉरिटी के पास है न तो किसी सरकारी संस्था के पास है कि बार बार इस तरीके की जब मुसीबत आती है, कल भी बारिश हुई थी तो कम से कम इतना इंतजाम तो होना चाहिए था कि सड़क दरिया ना बन जाए। लेकिन हम देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, पानी वहां पर भरा हुआ है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ और बारिश भी हो सकती है, यानी जो स्तर अभी दिख रहा है घुटने तक पानी है ये गले तक पहुंच सकता है। जल निकासी का कोई प्रबंध दिख रहा है क्या? देखिए जल निकासी के लिए व्यवस्था तो की गई है लेकिन व्यवस्था नाकाफी साबित हो जाती है। व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं, आपको हम पंप की तरफ की भी तस्वीर दिखाएंगे कि लगातार पंप चल रहे हैं, बड़े पाइप से पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन बारिश भी ज्यादा हुई है। साथ ही साथ जो निकासी होनी चाहिए थी, जो नाले बने होने चाहिए थे, उनकी व्यवस्था बिल्कुल गायब दिखाई पड़ती है। अगर वो शायद बनाए जाते जिस समय रोड बनाया जाता है, अगर उसमें में बेहतर प्लानिंग की जाती तो शायद ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। और मुश्किल इसलिए होता है कि आप सड़क पर काम तो करते हैं, परियोजनाओं पर काम तो होता है, लेकिन प्लानिंग बिल्कुल नदारद दिखती है, बिल्कुल गायब दिखती है, तो ये स्थिति बनती है। और जैसा आपने कहा कि ऑरेंज अलर्ट आज पूरे दिन के लिए जारी है, कल और परसों के लिए भी येलो अलर्ट है, यानी हो सकता है कम बारिश हो अगले दो दिनों में, लेकिन आपको बताएं कि कल भी जब बारिश हुई थी तो आज के लिए येलो अलर्ट था जिसको अपग्रेड किया गया है ऑरेंज अलर्ट में। तो अभी जैसा मौसम बना हुआ है उसमें बारिश से राहत नहीं दिखाई पड़ रही है, सुबह से तो लगातार मूसलाधार बारिश हो ही रही है और सड़कों पर उसका रिफ्लेक्शन, उसकी तस्वीर ये दिखाती है कि बारिश तो अपनी जगह है होगी, बरसात का मौसम है उस समय बारिश तो अपेक्षित है, उम्मीद की जाती है कि बारिश होगी ही, लेकिन बातें हवाई होती है। हवाई अड्डा के पास खड़े हैं हम, आसमान में हमें जो हवाई जहाज भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जमीन पर दरिया है सड़क की जगह। तो ये अपने आप में रोचक तस्वीरें कि किस तरीके से सिर्फ बातों में हवाई जो तमाम बातें हैं वो हवाई होती हैं और जमीन पर जब उसका उसकी परीक्षा होती है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं, सब कुछ फेल हो जाता है, लोगों को मुसीबतों से दोचार होना पड़ता है और हर जगह सड़क नहीं पानी दरिया दिखाई पड़ती है। पानी और दरिया की वजह से ही देखिए इंजन जाम हो जाता है और जहां तहां गाड़ियां फंस जाती हैं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए तीन चार लोग लग जाते हैं। यही आलम दरअसल दिल्ली की कई सड़कों का इस वक्त होगा। ये तो एक सड़क आप देख रहे हैं, ये धौला कुआं की सड़क है जहां पर इस वक्त दो गाड़ियां फंसी हुई हैं। और अर्पिता देखिए कि ये हाल तो दरअसल पॉश इलाकों का है, हमने महिपालपुर जाने वाली सड़क देखी जो कि एयरपोर्ट तक जाती है, वहां पर कुमार कुणाल बता रहे थे कि कैसे जल जमा हुआ है। और ऐसे में उन इलाकों की कल्पना कीजिए जहां पर कच्ची सड़कें हैं, जहां पर गड्ढे हैं, जहां पर जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर इस वक्त क्या आलम होगा ये कल्पना कर पाना मुश्किल नहीं है। तो डूबते शहर को कैसे बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी, क्योंकि ये तो आप राजधानी दिल्ली का हाल देख रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है, लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि कब वो अपने घर से निकलें ताकि कहीं फंस ना जाएं।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लौटेंगे बहुत जल्द, आप देखते रहिए आज। तो चंद घंटों की बारिश के बाद कैसी दिख रही है दिल्ली, इसे बताने के लिए मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त इंद्रप्रस्थ इलाके से जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए। स्टैंड बाय नेहा, जो आपने जिक्र किया चंद घंटों की बारिश, उसके बाद देखिए ये इंद्रप्रस्थ है, नेशनल हाईवे है और आईटीओ से आने के बाद इलाका जो आगे नोएडा और दिल्ली की ओर जोड़ता है, अब ये इंद्रप्रस्थ नदी बन गई है, नेशनल हाईवे। दरअसल पीछे जो नीचे ड्रेनेज सिस्टम होता है उसका ढक्कन उड़ चुका है, ड्रेनेज के लिए यहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए पंप लगाए गए हैं, सारी गाड़ियां अपने दाईं तरफ चल रही हैं ताकि कम से कम ट्रैफिक ना हो, लेकिन ट्रैफिक किस रफ्तार में आपको वो भी दिखाते हैं। अब ये इतना डरावना है, दरअसल यहाँ से 200 से 300 मीटर तक का ये जो पूरा स्ट्रेच है, 1.5 से 2 फीट तक पानी है और आगे गाड़ियां बंद पड़ने लगी हैं, बसों को रास्ता बदल के निकलना पड़ा और ट्रैफिक किस तरह हो सकता है ऐसे में तमाम सारे लोग जो अपने दफ्तर गए, और चूंकि ऑरेंज अलर्ट है, बरसात जारी रहेगी, ऐसे में ये समझना होगा कि जब लोग अपने घरों को लौटेंगे तब स्थिति क्या होगी। ये पूरा इलाका जो है आप समझिए कि नेशनल हाईवे पर लगभग 1.5 से 2 फुट तक का पानी भरा हुआ है, सारी गाड़ियां इस तरह, और इतना ही नहीं जितने लो लाइन इलाके हैं, चूंकि जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है कि भारी बरसात हो सकती है कुछ इलाकों में, तो लो लाइन इलाकों में जल जमाव की ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी जो फिलहाल आपको इंद्रप्रस्थ पे देखने को मिल रही हैं। और ये पूरा इलाका कल हमने देखा आरकेपुरम, धौलाकुआं, मोतीबाग, जहां पर उस तरह की बरसात थी, तो नेशनल हाईवे पे इस तरह पानी भरना अपने आप में एक चिंता का सबब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और अब जो हाल है गाड़ियां आगे बंद पड़ने लगी हैं और रेंगती हुई रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नेहा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके के हालात कुछ देर की बारिश के बाद हो जाते हैं, लंबा जाम। तस्वीरों में भी आपने देखा बारिश जिन जगहों पर हो रही है वहां पर हाल अभी और ज्यादा खराब दिखते नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।